आज डिस्कस करेंगे कॉमन रेल इंजेक्शन सिस्टम के बारे में। कॉमन मतलब एक तरह की, सबकी सेम एक कॉमन रेल होगी। रेल मतलब होज, एक पाइप होगी, एक कॉमन पाइप या कॉमन हैज होज। इंजेक्शन सिस्टम, इंजेक्शन मतलब जो हमारा फ्यूल होगा उसको इंजेक्ट करने के लिए इंजन सिलेंडर के अंदर जो हम सिस्टम यूज़ करेंगे उसको बोलते हैं कॉमन रेल इंजेक्शन सिस्टम। एक कॉमन रेल सभी इंजेक्टर्स के लिए सिलेंडर के अंदर फ्यूल को इंजेक्ट करने के लिए, उसको हम कॉमन रेल इंजेक्शन सिस्टम बोलते हैं। ये हमने फिगर बनाई है इसको समझने के लिए। तो इसके पार्ट्स देखते हैं कौन कौन से हैं और इसकी वर्किंग को समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक, ये जो कॉमन रेल इंजेक्शन सिस्टम है ये किस लिए यूज़ किया जाता है? ताकि एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकें और एमिशन को रिड्यूस कर सकें। एमिशन मतलब जो एग्जॉस्ट गैस निकलती है उसको हम कम कर सकें और एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। तो कॉमन रेल इंजेक्शन सिस्टम का यूज़ किया जाता है। फ्यूल टैंक इसमें होता है। फ्यूल टैंक के बाद एक पंप लगा होता है, इसको हम बोलते हैं लिफ्ट पंप। लिफ्ट पंप और लो प्रेशर पंप होता है ये, लो प्रेशर। इस पंप का काम क्या है? फ्यूल टैंक से फ्यूल को लेना, ये है फिल्टर। यहाँ से फ्यूल फिल्टर होगा और इस फ्यूल को इस हाई प्रेशर पंप तक पहुँचाना, ये है हाई प्रेशर पंप। ये है लो प्रेशर पंप या फिर आप इसको लिफ्ट पंप भी बोल सकते हैं। इसका काम सिर्फ ये है कि ये फ्यूल टैंक से फ्यूल लेगा, फ्यूल फिल्टर होगा अच्छी तरह से और वो हाई प्रेशर पंप के पास पहुँचेगा। हाई प्रेशर पंप का काम क्या है? इसका काम है फ्यूल के प्रेशर को इंक्रीज़ कर देना। ये फ्यूल के प्रेशर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। 18,000 PSI से भी ऊपर का प्रेशर यहाँ पे जनरेट होता है। जब ये प्रेशर जनरेट होता है तो ये जाता है हाई प्रेशराइज्ड फ्यूल इस कॉमन रेल के पास। ये है कॉमन रेल। कॉमन रेल इसको क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंजेक्टर लगे हैं चार, 1, 2, 3, 4 हमने इंजेक्टर्स लिए हैं। ये हैं इंजेक्टर्स। इंजेक्टर्स का काम क्या होता है? जो फ्यूल होगा उसको फाइन ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट करके इंजन सिलेंडर को देना। इंजेक्टर्स का काम ये होता है। तो कॉमन रेल जो है इसके अंदर हाई प्रेशराइज फ्यूल आएगा। अब ये जो हाई प्रेशराइज फ्यूल है ये आगे जो कॉमन रेल है ये आगे कनेक्ट है इंजेक्टर्स के साथ। जो ये हमें ग्रीन लाइन दिख रही हैं ये इंजेक्टर्स के साथ कनेक्ट है। अब इसके अंदर देखिए जो इंजेक्टर्स है और ये जो फ्यूल पंप है हाई प्रेशराइज, ये हमारा कनेक्ट है ECM से, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल के साथ। ECM से ये रेड लाइन जो दिखा रही है ये कनेक्ट है हाई प्रेशर पंप के साथ और इस तरफ से कनेक्ट है हर एक इंजेक्टर के साथ। हर एक इंजेक्टर के साथ मीन्स जो ECM है वो कंट्रोल करेगी इंजेक्टर की वर्किंग को कि कौन सा इंजेक्टर कब काम करेगा, और ये कंट्रोल करेगी हाई प्रेशर पंप को कि कब ये आगे हाई प्रेशर फ्यूल देगा। ये जो इंजेक्टर होते हैं ये सोलेनोइड वाल्व ऑपरेटेड होते हैं, मींस एनर्जी के साथ ओपन क्लोज होते हैं ताकि ये आगे फ्यूल को क्लोज और ओपन कर सकें, मींस सिलेंडर में दें और उसको रोक सकें। तो सोलेनोइड ऑपरेटेड होते हैं। तो ECM इस सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। हाई प्रेशर फ्यूल इसके अंदर आता है और वो फाइन ड्रॉपलेट्स के अंदर इंजेक्टर के अंदर से चेंज होके इंजन सिलेंडर में जाता है। आगे क्या होता है? इंजन सिलेंडर, हर एक जो इंजेक्टर है उसके लिए इंजन सिलेंडर होता है। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही फाइन ड्रॉपलेट में इंजेक्टर फ्यूल को कन्वर्ट करेगा, उतना ही एटोमाइजेशन होगा, मीन्स छोटे छोटे कणों में उसको कन्वर्ट करेगा और फ्यूल एफिशिएंटली बर्न होगा।
और एफिशिएंसी बढ़ेगी, एमिशन रिड्यूस होगा। तो इस तरह से ये कॉमन रेल इंजेक्शन सिस्टम काम करता है। जो एक्स्ट्रा फ्यूल होता है ये ग्रीन लाइन जो हमने दिखाई है इसके थ्रू वो फ्यूल टैंक में वापस आ जाता है। तो इस तरह से पूरा कॉमन रेल इंजेक्शन सिस्टम काम करता है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।